नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हेल्थी प्रोडक्ट रिव्यू चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बैद्यनाथ अश्वगंधा रेस्ट का, और इस हेल्थ टॉनिक के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। जैसे यह क्या है, कैसे बना है, इस्तेमाल करने का तरीका, फायदे, साइड इफेक्ट वगैरह सब, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। शुरुआत हम रिव्यू की प्राइस और पैकिंग से करते हैं। आप वीडियो में देख पा रहे हैं बैद्यनाथ अश्वगंधा रेस्ट सिरप, जो कि कुछ इस तरह की पैकिंग में आती है। कांच की बोतल है जो कि 450 ml की है। प्राइस इसकी 215 रुपये देखने को मिलती है। आपको यह मेडिकल स्टोर या वैद्य की दुकान कहीं से भी आसानी से मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी लिंक से आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अब बात अश्वगंधा रेस्ट की करते हैं कि आखिरकार यह है क्या। अश्वगंधा रेस्ट एक लिक्विड टॉनिक है, दवाई है, जिसको कई हर्ब्स को मिलाकर बनाया जाता है। सबसे मुख्य इंग्रेडिएंट अश्वगंधा रहता है, इस कारण इसका नाम है वो अश्वगंधा रेस्ट पड़ा। इस बैद्यनाथ के प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट को चेक करते हैं, यानी कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर मिलाई गई हैं, तो 31 तरह की चीजें लिक्विड फॉर्म में इसमें एडेड हैं। सबसे ज्यादा तो इसमें अश्वगंधा है। इसके अलावा श्वेत मूसली, मंजीट, हरड़, दारू हल्दी, हल्दी, मुलेठी, रसना, विदारीकंद, अर्जुन छाल, चंदन, दायफूल, सोंठ, काली मिर्च, पीपर, दालचीनी, नाग केसर, ये सब चीजें है वो मुख्य तौर पर देखने को मिलती है। मेन नाम मैंने आपको पढ़ के सुना दी। इसके अलावा सभी नामों को अगर आपको पढ़ना है तो स्क्रीन के ऊपर आसानी से पढ़ सकते हैं। आयुर्वेद जो भी औषधियों को शारीरिक और मानसिक फायदों के लिए रिकमेंड करता है, वे लगभग सभी इसमें देखने को मिल जाती है। इंग्रेडिएंट वाइज मैं इस प्रोडक्ट को अच्छा बोलूंगा। अब बात हाउ टू यूज की करते हैं। अगर आप इस सिरप को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 15 से 30 ml यूज कर सकते हैं। मीन्स 1 से 2 चम्मच भर के अश्वगंधा रेस्ट को लेना है और इसी अमाउंट में पानी इसके अंदर मिक्स करना है। खाने के 1 घंटे बाद में इसको लिया जा सकता है। दिन में 2 बार सुबह और शाम लेने की सलाह दी जाती है। बोतल को यूज करने से पहले अच्छी तरीके से सेक कर ले, ताकि अब सब जो पेंदे के अंदर जम जाती हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। टेस्ट की बात करें तो कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। टेस्ट अच्छा है, लेकिन जो शुगर के पेशेंट है उसको इस दवाई को लेने की सलाह है वो नहीं दी जाती है। गर्भवती जो महिलाएं हैं, स्तनपान करती हैं, उनको भी इस दवाई को नहीं लेना चाहिए। साथ ही मेल फीमेल की बात करें तो कोई भी इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। कितना टाइम लेस की बात करें तो 2 से 3 महीने इस अश्वगंधा रेस्ट को लिया जा सकता है। और इसके अलावा जैसा आपको आपका डॉक्टर सजेस्ट करता है उसके हिसाब से ही इसको इस्तेमाल करना है। अब बात फायदों की करते हैं कि इसका उपयोग किन किन प्रॉब्लम्स को लेकर किया जा सकता है। इसके ऊपर लिखे इंडिकेशन की बात करें तो लिखा हुआ है शारीरिक और मानसिक थकान व तनाव को दूर करता है, स्नायु शक्तिवर्धक, ये सब चीजें है वो इसके ऊपर लिखी हुई है। अब एक्सप्लेन मैं आपको कर देता हूं। अगर आपको तनाव रहता है, चिंता आपको रहती है, दिमाग कमजोर पड़ गया है, कोई भी काम करने से पहले दिमाग है वो थकान का संकेत दे देता है, तो इस सिरप को यूज किया जा सकता है। अश्वगंधा मानसिक थकान को दूर करेगा, ताकत बढ़ाएगा और स्ट्रेस रिलीफ का काम भी करेगा। मानसिक रोग जैसे कि मिर्गी में भी इसको लेने की डॉक्टर है वो सलाह देते हैं, लेकिन सीरियस प्रॉब्लम यह मिर्गी रहती है, इसके कारण आयुर्वेद डॉक्टर की सलाह के बाद में ही इस्तेमाल है वो इस संबंध में करना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पर आती है शारीरिक थकान की। मानसिक थकान के बारे में हमने जान लिया। अगर आप फिजिकल रूप से कमजोरी महसूस करते हैं, काम करते वक्त जल्दी थक जाते हैं, या शरीर में जैसे हर समय सुस्ती छाई रहती है, तो इसका उपयोग किया जा सकता है। शरीर की ताकत और स्टेमिना दोनों को बढ़ाने का काम यह टॉनिक है वो करेगा। पुरुषों के वैवाहिक जीवन को लेकर भी इसके फायदे देखने को मिलते हैं। कुछ पुरुषों को वैवाहिक जीवन की कई समस्याएं और कमजोरी आती हैं, जिसके पीछे कहीं ना कहीं है वो तनाव काम करता है। उन सब कमजोरी में भी और समस्याओं में इस टॉनिक का काम है वो देखने को मिलता है और यह लाभ देता है। अगर किसी को जॉइंट पेन है या फिर बोन्स में वीकनेस आ गई है तो भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी को स्लीप प्रॉब्लम है, क्वालिटी स्लीप नहीं आती है, नींद कम आती है, तो भी नींद के संबंध में इसके फायदे देखने को मिलते हैं। पाचन को बूस्ट करने का काम करता है। अजीर्ण और अपच की समस्या में यह फायदा करता है। हृदय की हेल्थ को बूस्ट करता है और साथ ही आपके शरीर की ओवरऑल कंप्लीट हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम यह सिरप है वो करती है, टॉनिक है वो करता है। ब्रांड की सलाह है कि आपको अच्छी डाइट को फॉलो करना है। कोई भी तेल की तली चीजें या फिर जो स्पाइसी और जंक फूड रहते हैं उनको आपको इसको इस्तेमाल करने के दौरान में खाना नहीं है, और साथ डाइट को जितना हो सके हेल्दी रखने का काम है वो करना है। साइड इफेक्ट की बात करें तो कोई भी मेजर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। एसिडिटी, हार्ट बर्न और जी मचलाना जैसी कुछ समस्याएं लोगों को शुरुआती दिनों में कुछ कुछ केसेज में हो सकती हैं, बाकी इसका कोई भी मेजर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। सावधानी की बात करें तो अगर आप कुछ भी मेडिकेशन वगैरह लेते हैं, दवाई लेते हैं, आपकी हेल्थ अगर नॉर्मल नहीं है तो आपको डॉक्टर की सलाह के बाद में ही इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो यह था बैद्यनाथ अश्वगंधा रेस्ट का कंप्लीट रिव्यू। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको लाइक एंड शेयर जरूर देंगे। ऐसे ही क्वालिटी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।